आगामी त्यौहार एवं आदर्श आचार संहिता के चलते टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन में शहर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कि कोतवाली से प्रारंभ होकर शहर में सिंधी धर्मशाला होते हुए लुकमान चौराहा, कटरा बाजार, तहसील चौराहा, स्टेट बैंक चौराहा होते हुए वापस कोतवाली पहुंचा और इसके बाद पुलिस वाहनों से शहर में छूटे हुए स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान नवदुर्गा महोत्सव के प्रथम दिन फ्लैग मार्च के दौरान सबसे आगे डीएसपी प्रिया शिंदे, कोतवाली प्रभारी मीना पटेल और यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा सहित साथ में आरआई दिनेश लत्या और सूबेदार उत्तम सिंह, एफएसएल अधिकारी प्रदीप यादव सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। फ्लैग मार्च का उद्देश्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों को चेतावनी देना रहा, ताकि शहर में शांति का माहौल बना रहे और सभी त्यौहार और उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।